नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 8 जनवरी रविवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। जोधपुर में बस ट्रक की आमने सामने की भिड़ंत में 5 लोगों की मौत हो गई। इनमें 3 लोगों की मौके पर जबकि एक की अस्पताल ले जाते समय और एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे में 24 लोग घायल हो गए, 6 की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसा इतना दर्दनाक था कि बस की कैबिन में लोग बुरी तरह से फंस गए। घायलों को जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल लाया गया। हादसा मथानिया इलाके में हुआ है। जानकारी के अनुसार सवारियों से भरी बस जोधपुर से चांडी जा रही थी। मथानिया के पास सामने से आ रहे ट्रक से भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। हाईवे पर लोगों ने गाड़ियां रोकी और लोगों को बाहर निकाला। जांच में सामने आया है कि बस 45 सीटर थी लेकिन सवारियां ओवरलोड थी। थानाधिकारी राजीव भादू ने बताया कि ट्रक रॉन्ग साइड से आ रहा था, तभी वह बस से टकरा गया। हादसा इतना दर्दनाक था कि ट्रक और बस दोनों के आगे का हिस्सा एक दूसरे में फंस गया था। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की सर्दी के बीच शनिवार से शुरू हुई समान पात्रता परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने राहत दी। अभ्यर्थियों को बिना जेब का पूरी बांह का स्वेटर पहनकर परीक्षा में शामिल होने की स्वीकृति दी गई। बोर्ड ने इसके लिए केंद्राधीक्षक को अधिकृत कर दिया था। सुबह 9 बजे से शुरू होने वाली इस परीक्षा के लिए 8 बजे परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार बंद कर दिए गए, जिसके चलते अभ्यर्थियों ने सुबह सवेरे की परीक्षा केंद्रों पर जुटना शुरू कर दिया था। सीईटी की पहली पारी की परीक्षा प्रदेश के विभिन्न सेंटरों पर सुबह 9 बजे शुरू हुई, लेकिन सेंटर्स पर प्रवेश 8 बजे तक ही दिया गया। सुबह 8 बजे से पहले सभी को पूरी जांच के बाद सेंटर्स में प्रवेश दे दिया गया। दूसरी पारी में कैंडिडेट्स को दोपहर 1:30 बजे तक ही प्रवेश दिया गया। धौलपुर जिले के कोलारी थाना इलाके के बसई नवाब कस्बा के समीप यूपी के खेरागढ़ थाना क्षेत्र से लापता किशोरी का शव कुएं में मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को जिला आगरा के सरकारी अस्पताल में भेजा। बताया जा रहा है कि किशोरी प्रेमी के साथ गायब थी। वहीं परिजनों ने प्रेम प्रसंग में उसकी हत्या करने की आशंका जताई है। मामला उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के खेरागढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव का है। गुरुवार को गांव का युवक 16 साल की किशोरी को भगाकर ले गया था। परिजनों ने पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस परिजनों के साथ लापता किशोरी की तलाश में जुट गई। परिजनों ने गांव के ही एक दूसरे समाज के लड़के से प्रेम प्रसंग में उसकी हत्या करने की आशंका जताई है। पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। हरियाणा के रोहतक स्थित पीजीआई के कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी डॉक्टर ने MLR में जानलेवा हमले की धारा 307 हटवाने की एवज में 2,30,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, लेकिन जब पीड़ित ने बातचीत की तो 1,50,000 में मान गया। विजिलेंस के DSP सुमित कुमार ने बताया कि सनसिटी निवासी मंदीप हुड्डा ने शिकायत दी थी कि 1 जनवरी को दिल्ली बाईपास पर एक होटल में पार्टी करते समय उसका झगड़ा हो गया था। दूसरा पक्ष PGI के डॉक्टर ही थे। दोनों तरफ से अर्बन एस्टेट थाना में लड़ाई झगड़े का मामला दर्ज करवाया। CMO डॉक्टर इमरान खान ने दूसरी पार्टी के फेवर में चोटों के जानलेवा दिखाया ताकि उनकी FIR में धारा 307 जुड़ जाए और मामला गंभीर लगे। शिकायतकर्ता से डॉक्टर ने धारा 307 हटाने के लिए 2,30,000 रुपए मांगे। बाद में 1,50,000 में सौदा तय हुआ था। शिकायत के सत्यापन के बाद विजिलेंस ने आरोपी डॉक्टर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बूंदी जिले के लबान गांव में शराब की दुकान के पास 4-5 अज्ञात लोगों ने 25 वर्षीय युवक की चाकू मारकर हत्या करने के मामले का पर्दाफाश कर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी ने बताया कि मृतक की वजह से उसके भाई ने फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया था। इसका बदला लेने के लिए दोस्तों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। SP जय यादव ने बताया कि 30 दिसंबर को लबान गांव में एक युवक की हत्या के मामले को गंभीर मानते हुए पुलिस की टीमों को गठित कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे। देईखेड़ा थाना पुलिस ने 6 दिन में हत्या की वारदात का खुलासा करते हुए आरोपी राकेश मीना, गोलू मीना, जुगल किशोर और नवल कुमार को गिरफ्तार किया है। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े घोटाले के मामले को लेकर SOG की टीम ने जोधपुर में बड़ी कार्रवाई की है। SOG ने चार्टर्ड अकाउंटेंट जेठमल डाकलिया, भाई गौतम चंद और उनके बेटे दिनेश डाकलिया को हिरासत में लेकर जयपुर भेजा है, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी। जेठमल डाकलिया का संजीव क्रेडिट कोऑपरेटिव से सीधा जुड़ाव बताया जा रहा है। इसके अलावा वे एक केंद्रीय मंत्री के भी
निकटस्थ हैं। जानकारी के अनुसार जेठमल डाकलिया संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। इसी क्रेडिट कोऑपरेटिव से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उनकी पत्नी जुड़े हुए थे। हालांकि लोकसभा का पहला चुनाव लड़ने से पहले उन्होंने क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से अपना नाता खत्म कर दिया था, लेकिन जब से यह घोटाला उजागर हुआ है उसके बाद से शेखावत का नाम जोड़ा जा रहा है। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव से करीब 900 करोड़ का घोटाला हुआ, जिसके चलते हजारों निवेशकों की राशि फंस गई। प्रदेश में पिछले कई दिनों से पारा लगातार गिर रहा है। 2 से 3 दिन से चल रही शीतलहर ने लोगों को ठिठुरा दिया है। प्रदेश के कुछ जिलों में सुबह कोहरा नहीं था, लेकिन तापमान में गिरावट आने से लोगों की कंपकंपी छूट गई। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आगामी 2 से 3 दिन उत्तर पश्चिमी राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और आसपास के क्षेत्रों में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। हालांकि मावठ और बारिश होने के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। उन्होंने बताया कि एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से आगामी 48 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में न्यूनतम व अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है। जयपुर में दोस्ती कर एक युवती से रेप करने का मामला सामने आया है। दोस्तों की मदद से आरोपी ने बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर युवती से मारपीट की गई। हरमाड़ा थाना पुलिस ने बताया कि शास्त्री नगर निवासी 27 साल की युवती ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि कुछ समय पहले उसकी मुलाकात अजय से हुई थी। दोनों में दोस्ती हो गई और मिलना जुलना भी बढ़ गया। आरोप है कि आरोपी ने उसको टोडी हरमाड़ा मिलने बुलाया, शादी का वादा कर उसके साथ रेप किया, शादी का झांसा देकर उसको बंधक बनाकर रखा, दोस्तों की मदद से उसके साथ दुष्कर्म करता रहा, लगातार देश शोषण से परेशान होकर शादी करने का दबाव बनाया, शादी करने से मना कर आरोपी ने उसके साथ मारपीट की। पीड़िता ने आरोपी और उसके सहयोगियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। अमृतसर के घी मंडी इलाके के एक होटल में बीते रोज एक युवक ने अपनी 22 वर्षीय विवाहिता महिला मित्र से झगड़ा होने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट में चोटें लगाकर हत्या कर दी। महिला रैया की रहने वाली थी। दूसरी शादी के बावजूद उसके तीसरे युवक से प्रेम संबंध थे। पहले पति से उसके एक बच्चा भी था। पुलिस ने आरोपी युवक रवि कुमार निवासी दिल्ली को गिरफ्तार कर लिया। वह रैया के पास बेगोवाल गांव में मेहनत मजदूरी का काम करता था। इसी दौरान उसकी महिला से दोस्ती हुई थी। दोनों 1 जनवरी को घी मंडी स्थित एक होटल में ठहरे। रात को दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। इसके बाद आरोपी ने महिला की मर्जी के बिना बेरहमी से शारीरिक संबंध बनाए। इसके महिला के प्राइवेट पार्ट में गंभीर चोटें लग गई। सुबह होश आने पर युवक महिला को गुरु नानक देव अस्पताल ले गया, जहां ब्लीडिंग ज्यादा होने के कारण उसकी मौत हो गई। जांच में महिला के शरीर सहित गुप्त अंग में भी गहरी चोटों के निशान मिले। रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।